तो दोस्तों, अगर आप सैमसंग का कोई भी हाई एंड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको जो हेडफोन मिलता है वो ये मिलता है, सैमसंग AKG वायर्ड हेडफोन। तो ऐसे में आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए एक वायरलेस हेडफोन के लिए या फिर सैमसंग के बड्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए, क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर आप अपग्रेड करते हैं और क्या इसके माइनस पॉइंट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉल क्वालिटी। कॉल क्वालिटी किस में अच्छी है दोस्तों? देखो, वायर्ड हेडफोन की अगर हम बात करें तो कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है इसके अंदर। बहुत अच्छी क्वालिटी का हेडफोन है सैमसंग का और ट्यून्ड बाय AKG है। इसके अलावा अगर हम सैमसंग वायरलेस बड्स की बात करें जो कि AKG से ही ट्यून्ड है, तो इसमें भी जो है कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। जबकि मैंने 5000, 6000, 7000 वाले काफ़ी सारे वायरलेस हेडफोन यूज़ किए हैं, इवन सैमसंग यूफ्लेक्स, वन प्लस, रियलमी बड्स, नॉइज बड्स, काफ़ी सारे बड्स मैंने यूज़ किए हैं। तो अगर आप स्टेडी खड़े हैं ना तो आपको साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप मूव करते हैं, जैसे बाइक में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो आपकी जो है कनेक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं आएगी। इसके अलावा कॉल क्वालिटी बिल्कुल घटिया होगी, बिल्कुल बेकार होगी। तो इसीलिए मैंने जो अपग्रेड किया वो सैमसंग बड्स को किया। इसके अंदर जो है 3 माइक हैं, तो 3 माइक होने की वजह से जो आपकी वॉइस क्वालिटी है कॉल पर वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसको कान में लगा कर रखते हैं तो बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं बाहर की आवाज़ आए तो उन माइक के ज़रिए बाहर की आवाज़ कैच होती है और वो आपके कानों में आती है। उसके लिए आपको सेटिंग में जाके एम्बियंट साउंड को ऑन करना होता है। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी के अंदर इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, नो डाउट बहुत अच्छी है। लेकिन सैमसंग बड्स में और वो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि ये फुल HD है, तो ये 4K है। अब मैं वर्ड्स में उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो डिटेल साउंड है, जो बारीक से बारीक साउंड है, जो मैं अपने 5.1 साउंड थिएटर में भी नहीं सुन सकता, वो मैं इनमें सुन पा रहा था। और डिटेल में मैंने इनका कंपैरिजन किया। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं साउंड क्वालिटी के लिए, कॉल क्वालिटी के लिए, तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा आप इनको ज़रूर अपग्रेड कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों गेमिंग की। गेमिंग के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं, स्ट्रीम करते हैं, ओवर द हेड बड़ा वाला वो हेडफोन यूज़ करते हैं और उसमें वायर ज़रूर कनेक्ट होता है। वायर कनेक्ट होने का रीज़न ये है कि अगर हम वायरलेस हेडफोन यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी लेटेंसी मतलब ऑडियो का डिले होता है थोड़ा सा। आपने गोली चले उसके 5 या 10 सेकंड बाद आपको आवाज़ आएगी, तो उस ऑडियो डिले की वजह से गेम के अंदर जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं वो हार सकते हैं या मर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं उसमें। तो अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं और बड़े बड़े गेम खेलने वाले हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इसको ही यूज़ कीजिए, क्योंकि वायर्ड हेडफोन ही बहुत बढ़िया होता है, या फिर बड़े वाले ले लीजिए, लेकिन वायर्ड ही लीजिएगा। वायरलेस हेडफोन आपको लेटेंसी देंगे ही देंगे, कम या ज़्यादा। और मैंने इसको अपग्रेड ये सोचकर भी किया था कि शायद गेमिंग में लेटेंसी नहीं होगी, लेकिन मुझे इसमें भी लेटेंसी देखने को मिली। तो यहाँ पर मेरा एक मकसद जो था गेमिंग का कि मैं वायरलेस गेमिंग करवाऊँगा, वो मैं नहीं कर पाया। इसके अलावा वायर्ड हेडफोन की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, जेब में रखेंगे टेंगल हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। इसके लिए छोटी सी डब्बी दी हुई है और इसको चार्ज करना पड़ता है, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, आप जानते ही हैं। इनको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आप सैमसंग का कोई हाई एंड फ़ोन यूज़ करते हैं जो कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप अपने फ़ोन से इनको चार्ज भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती हैं और इसमें आपको किसी तरह की कोई चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, जेब से निकालिए, मोबाइल में लगाइए और चलाइए, दैट्स इट। तो डिटेल में आपको मैं बता ही चुका हूँ। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ एक चीज़ पर मैं आपको रोकूंगा कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो अपग्रेड मत कीजिएगा। अगर आप गेम खेलते हैं और गेमिंग के लिए करना चाहते हैं तो अपग्रेड मत कीजिएगा। बाकी हर चीज़ के लिए आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। बता ही चुका हूँ आपको, अगर ये फुल HD है तो ये 4K है। और इसका डिटेल में मैं रिव्यू बनाकर डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा। आप उसको परचेज़ करने से पहले देख सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसीलिए मैंने परचेज़ किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।